फिल्मों में वापसी करने जा रही हैं शिल्पा शेट्टी। 23 जुलाई को रिलीज होगी हंगामा 2 और इसी दिन राज कुंद्रा की रिमांड बढ़ने पर फैसला होगा। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर एक्सपर्ट। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी 14 साल बाद हंगामा 2 से फिल्मों में वापसी कर रही हैं। यह फिल्म हॉटस्टार पर 23 जुलाई को रिलीज होने जा रही है। शिल्पा और उनके फैन के लिए यह जश्न का वक्त होना चाहिए था, लेकिन राज कुंद्रा की पॉर्न रैकेट में गिरफ्तारी के चलते सिर्फ शिल्पा ही नहीं, हंगामा 2 की पूरी टीम अब जश्न के मूड में नहीं है। शिल्पा एक कॉमेडी फिल्म से कमबैक कर रही हैं, लेकिन इसी वक्त उनकी निजी लाइफ में ट्रेजेडी हो गई है। राज कुंद्रा को 23 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है और 23 जुलाई को ही हंगामा 2 का OTT प्रीमियर होगा और इसी दिन यह भी फैसला होगा कि राज कुंद्रा की पुलिस रिमांड बढ़ाई जाए या फिर उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा। शिल्पा शेट्टी 2007 में लाइफ इन अ मेट्रो और अपने फिल्म में बड़े पर्दे पर नजर आई थी। इसके बाद वो ओम शांति ओम फिल्म के एक पार्टी सॉन्ग में भी दिखाई दी थी। इसके बाद वह दोस्ताना फिल्म के एक गाने में भी नजर आई। शिल्पा ने बतौर प्रोड्यूसर फिल्म डिस्क्यों बनाई थी, इसमें भी उनका स्पेशल अपीयरेंस था। अब 14 साल बाद वह प्रियदर्शन की हंगामा 2 में नजर आने वाली हैं। शिल्पा के करियर के शुरुआती दिनों का हिट गाना चुरा के दिल मेरा को इस फिल्म में रिक्रिएट किया गया है। फिल्म में वे मिजान जाफरी के साथ इस गाने पर डांस करती नजर आएंगी। इसके अलावा फिल्म में प्रणीता, सुभाष और परेश रावल भी हैं। हंगामा 2 डायरेक्टर प्रियदर्शन की काफ़ी लंबे समय के बाद बॉलीवुड में कमबैक फिल्म है। प्रियदर्शन की बॉलीवुड में इससे पहले रंगरेज फिल्म 2013 में आई थी। शिल्पा शेट्टी इस फिल्म के लिए काफ़ी जोश में है। शिल्पा ने बताया था कि उनकी कमबैक फिल्म बड़ी स्क्रीन पर रिलीज नहीं हो रही है और इसका उन्हें कोई अफसोस भी नहीं है और वे इस बात को लेकर काफ़ी नर्वस भी नहीं है। उल्टा वे ये मान रही हैं कि OTT पर कंटेंट ही सबसे अहम होता है और ये कॉमेडी फिल्म OTT रिलीज की वजह से ज़्यादा लोग देख पाएंगे। शिल्पा की सोशल मीडिया पर अच्छी फैन फॉलोइंग है। इंस्टाग्राम पर उनके 2,14,00,000 फॉलोअर्स हैं। इस फैन फॉलोइंग का फ़ायदा भी हंगामा 2 के प्रमोशन में लिया जा सकता था। आम दिनों में शिल्पा शेट्टी इस फिल्म का सोशल मीडिया पर प्रमोशन करती नजर आ सकती थी। इन 14 सालों में शिल्पा काफ़ी लाइमलाइट से दूर नहीं रही हैं। योगा वीडियो, फिटनेस सेशन और टिकटॉक की वजह से वे हर बार सुर्खियों में रही हैं, लेकिन राज की गिरफ्तारी के बाद शिल्पा सुपर डांसर रियलिटी शो से भी गायब हो रही हैं। आने वाले दिनों में शायद राज को जमानत मिल भी जाए तो भी शिल्पा के लिए TV शो, सोशल मीडिया, प्रमोशन सब फिर से शुरू करना इतना आसान नहीं होगा। अभी तो यह भी तय होना बाकी है कि शिल्पा को भी इस केस में पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा या नहीं। राज के हर बिजनेस में शिल्पा पार्टनर रही हैं, इसलिए शिल्पा को भी पुलिस पूछताछ का सामना करना पड़ सकता है। वैसे तो राज और शिल्पा के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना कोई नई बात नहीं है, मगर इस बार मामला वाकई में बहुत गंभीर हो चुका है। इस खबर पर आप अपनी क्या राय देना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही साथ खबर एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें।